हादिया, इतना क्या सोच रही हो? हादिया सोच थोड़ी रही है, हादिया तो शर्मा रही है। मेरा तो ख्याल है कि हम मंगनी इसी वीकेंड रख लेते हैं। मैं हादिया की मुमानी को कॉल करके बता देती हूँ। क्यों शौकत, ठीक है ना? जैसे आप लोगों की मर्जी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मुबारक हो हादिया। कंग्रेचुलेशंस हादिया। अरे जुहेब, बहुत अच्छे मौके पे आए हो। हादिया को मुबारकबाद नहीं दोगे? इसकी एंगेजमेंट की डेट फिक्स हो गई है, इसी वीकेंड है एंगेजमेंट। मोहब्बत फसूं है, दिलों का सुकून है, मोहब्बत एक जिद, मोहब्बत जुनून है, तो फिर भी करेंगे अगर ये खता हो, तो फिर भी करेंगे अगर ये खता हो, मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो, मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो, मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। जी जी बिल्कुल, मैं बता देती हूँ उन्हें। अरे नहीं नहीं, हमें क्यों एतराज होने लगा भला। ठीक है, खुदा हाफिज। चलो शुक्र, वो लोग राजी हैं और उन लोगों ने खुद ही तारीख का कह दिया। वो कह रहे हैं कि इसी हफ्ते हमने मंगनी रखनी है। आसिम बेटा, एक दफा फिर अच्छी तरह सोच लो, हमारा और शौकत का कोई जोड़ नहीं है और इंसान को रिश्ता हमेशा अपने बराबरी वालों के साथ करना चाहिए। अभी तो बेटा सिर्फ मंगनी की बात हुई है, शादी होना बाकी है। तुम्हें तो पता है ना, शादी की तैयारी शौकत के म्यार के मुताबिक होनी चाहिए। और तुम ये सब कुछ कर पाओगे? अम्मा, क्या हो गया आपको? हादिया सारी जिंदगी इसी घर में रही है, यहीं पली बड़ी है, उसकी पसंद नापसंद से अच्छी तरह वाकिफ हूँ मैं। हादिया की बात नहीं है यहाँ, याद रखो हादिया शौकत की बेटी है और हादिया की रुखसती शौकत के घर से होगी। उसकी हर चीज, उसकी हर तैयारी शौकत के स्टेटस के मुताबिक होगी। अम्मा जी, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं। देखिए, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मेरा भी तो एक ही बेटा है, इंशाल्लाह हर चीज अच्छी से अच्छी होगी। वैसे अम्मा, मैं महसूस कर रही हूँ कि मेरे बेटे के इस रिश्ते के होने से आप खुश नहीं हैं शायद। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है शहनाज। जितना उमर तुम्हें और आसिम को अजीज है ना, उतना ही मुझे भी अजीज है। मैं तो एक बात कह रही थी। अम्मा जी, मैंने कहा ना, आप बिल्कुल परेशान ना हो। मैं अपने बेटे की शादी ऐसी धूमधाम से करूंगा कि पूरा खानदान देखेगा। हादिया को उमेर की दुल्हन बना के बड़ी शान से घर में लाऊंगा कि सब कहेंगे वाह भाई, क्या शादी की है। मेरी जिंदगी तो बेटा अब गुजर गई, बस अब यही दुआ है कि तुम अपने बच्चों के साथ खुश रहो। आमीन। भाई शहनाज, मंगनी की तैयारियां शुरू करो। भाई अब दिन ही कितने रह गए हैं। ठीक है।